जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुह। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो कुछ हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पुलिस बुलवाना पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर काजी फायज ईसा का पुतला जलाया गया और नारे लगाए गए, गो काजी गो। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और क्यों हुआ ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने काजी फायज ईसा जैसा मुतनाज़े और जानबदार चीफ जस्टिस नहीं देखा। इमरान खान ने बड़ी तवील पैगाम भिजवाया अपनी पार्टी के नाम, और इमरान खान ने क्या कहा इस पैगाम में, अपने इस तवील पैगाम में, इस पर भी बात करनी। और इस पर भी बात करनी है कि नवाज शरीफ साहब बोले हैं एक लंबे अरसे और लंबी चुप के बाद नवाज शरीफ फिर बोले हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों को नवाज शरीफ साहब ने भेड़ बकरियों से तशबीह दी है और कहा है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ ने और क्या कहा, और नवाज शरीफ क्यों नहीं जा रहे अमेरिका इलाज के लिए, क्यों अमेरिका जाने का प्रोग्राम मौखर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने अब एक और शुरली छोड़ी, अब एक और शुरली छोड़ी, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरामीम पास कराने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपके जहनों में होगा ना कि 25 अक्टूबर काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का दिन है। अब समझ जाइए कि हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले क्यों आइनी तरामीम पैकेज मंजूर करवाना चाहती है। और ये भी आपको बताऊंगा कि हुकूमत का प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है आइनी तरामीम के हवाले से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 63 ए केस की समाअत थी, वही 63 ए केस जिसकी नज़रसानी अपीलें लगी हुई हैं। और आपको ये भी पता है, पहले भी बता चुका हूँ कि उमर अताब बंदयाल बेंच ने एक फैसला दिया था 3-2 से कि जो लोटा होगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, उसकी नज़रसानी अपीलें हैं, उसका रिव्यू है, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। और ये केस की, इस केस की सरबराई कर रहे हैं काजी फायज ईसा, 5 रुकनी बेंच है। और अभी से बातें हो रही हैं कि ये 5 रुकनी बेंच उमर अता बंदयाल का फैसला कालेदम करार देगा, 5-0 से कालेदम करार देगा। मतलब इस फैसले के बाद लोटों के वोट शुमार होंगे, मतलब कौमी असम्बली में हुकूमत आइनी तरामीम पास करवाने के लिए लोटा क्रेसी का सहारा ले सकती है। 63 ए केस मुतनाज़े केस इसलिए हो गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है, जिसका जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाइकॉट किया हुआ है, उसके बावजूद जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों ने मिलकर ना सिर्फ बेंच बनाया बल्कि ये केस लगाया। हालांकि तरमीमी आर्डिनेंस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि 3 जजेस बैठेंगे कमेटी में, तब वो कोई बेंच बना सकेंगे, तब वो कोई केस लगा सकेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की बाइकॉट की वजह से या उनके ना बैठने की वजह से ये 2 जज रह गए थे, लेकिन दोनों ने ना सिर्फ केस लगाया, ना सिर्फ बेंच बनाया बल्कि केस भी लगाया। और अब केस सुना जा रहा है। इस केस की समाअत जारी थी आज सुप्रीम कोर्ट में, और एक समाअत के दौरान एक वकील है मुस्तफ़ैन काज़मी, वो रोस्टर पर आ गए। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा आप किसकी तरफ से हैं, वकील मुस्तफ़ैन काज़मी बोले मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप बैठ जाएं, आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब, वैसे एक बात है कि चीफ जस्टिस साहब को जब भी कोई वकील कहता है कि मैं पीटीआई की तरफ से हूं तो वो कहते हैं आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे, आपने कोई बयान देना है तो साथ
पार्लियामेंट में चले जाएं, ये बयान देने का जगह नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान से चीफ जस्टिस की मोहब्बत छलक छलक कर बाहर आती है और मुसलसल बाहर आ रही है। खैर, मुस्तफैन काजमी ने इसके जवाब में कहा कि आप कर भी यही और आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, बाहर 500 वकील खड़े हैं, हम देखते हैं आप हमारे खिलाफ कैसे फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस ने शदीद इजहार बर्मी का इजहार बर्मी किया और कहा बुलाएं पुलिस को, निकालें इनको बाहर। मुस्तफैन काजमी ने कहा मेरा ताल्लुक पीटीआई से, आपने गैर कानूनी बेंच बनाया हुआ है, आपके बेंच में नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम गैर कानूनी बैठे हैं। मुस्तफैन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। दौरान समाअत सईद मुस्तफैन काजमी ने बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने अली जफर साहब की तरफ देखा और कहा कि मिस्टर अली जफर, ये क्या रवैया है। अली जफर बोले सर, मैं इनके रवैये का जिम्मेदार नहीं हूं। चीफ जस्टिस बोले आप जिम्मेदार हैं क्योंकि इनका तल्लक आपकी जमात से है। ये किस तरह का पाकिस्तान बना रहे हैं, तबाह कर दें सब इदारों को। आज यूट्यूबर्स को मिसाला मिल गया है। मुस्तफैन काजमी ने कहा यह गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या तल्लक है। चीफ जस्टिस ने फिर बैरिस्टर अली जफर से पूछा, बैरिस्टर अली जफर साहब ये क्या हो रहा है, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर बोले मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। बैरिस्टर अली जफर ने मुस्तफैन काजमी के रवैये पर माजरत की। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़े में मलबूस पुलिस एहलकारों को हिदायत, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें, जिसके बाद अदालती अमले ने सैयद मुस्तफैन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। और मुस्तफैन काजमी ने बाहर जाके कहा कि चीफ जस्टिस फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं और ये हमें पहले से ही पता है कि ये हमारे खिलाफ फैसला देंगे। मुस्तफैन काजमी ने जो कुछ अदालत में किया वो नामुनासिब था, जिस तरह चीफ जस्टिस को मुखातब किया वो नामुनासिब था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो कुछ कर रहे हैं, बहसीत जज जो कुछ उन्होंने किया, बहसीत चीफ जस्टिस जो कुछ किया, वो भी सियातरीन दौर है। उनके फैसले एक सियातरीन फैसले उन्होंने दिए। चीफ जस्टिस के साथ बेकरी वाला वाकया हो चुका है, जिस पे बेकरी वाले ने उन्हें कहा कि आप पर लानत हो, जब वो फैमिली के साथ आए थे मैंने उसकी मजम्मत की। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पुलिस बुलवा रहे थे, वकील को बाहर निकलवा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला उनका पुतला जला रहे थे और गो काजी गो के नारे लगा रहे थे। और उसके बाद हाई कोर्ट से वकला निकले, उन्होंने मार्च करके सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और नारेबाजी की, इत्तेजाज किया चीफ जस्टिस के रवैये के खिलाफ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की इमरान खान से और तरीके इंसाफ से मोहब्बत, खास मोहब्बत सबको मालूम है। चीफ जस्टिस का अदालत में कंडक्ट सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने जो फैसले दिए, हुदैबिया का, नैब तरामीम का, बल्ला छीनने का, तहयात नाइली ख़त्म करने का और मखसूस नशिस्तों पर, यह भी सबके सामने है। चीफ जस्टिस तरीके इंसाफ पर क्या क्या जुल्म ना होते रहे, प्लेइंग फील्ड छीन ली गई, सियासी स्पेस छीन ली गई, गिरफ्तारियां, रिकॉर्ड मुकदमे, रिकॉर्ड पर्चे और ज़्यादातर झूठे, इलेक्शन डाका, मखसूस नशिस्तें, और चीफ जस्टिस साहब खामोशी रही सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की। और चीफ जस्टिस साहब ने इंसानी हकूक की रिकॉर्ड पामालियों पर, चादर चार दीवारी के रिकॉर्ड पामालियों पर भी खामोशी रखी। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह लाइव समात केस को लाइव समात करने पर, नैब तरमीम का केस जिसमें इमरान खान ने पेश होना था, यू टर्न लिया, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस पर जो उनका रवैया था, वो भी आप सबके सामने है। चीफ जस्टिस साहब जिस तरह हम ख्याल बेंच बना रहे हैं, वो भी आपके सामने है। जजिस कमेटी में जो इशू आया, वो भी आपके सामने है। और चीफ जस्टिस पर मुसलसल इतराज हो रहा है उनके कि वो तरीके इंसाफ के केस ना सुने, तरीके इंसाफ के बेंच में ना बैठें। और इस केस में 63 ए केस में भी उनके बैठने पर एतराज़ हुआ, लेकिन वो मुसलसल बैठे हुए हैं, वो भी आपके सामने है। और फिर चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस और हकूमत के दरमियान जो मुबैना तौर पर जो कुछ हो रहा है, वो भी आपके सामने है। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के लिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए,
और आईनी अदालत बनाकर चीफ जस्टिस को बिठाने के लिए जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है, और सुप्रीम कोर्ट की तकसीम में जो चीफ जस्टिस का किरदार है वो भी आपके सामने है, और फिर जब उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट पर शबाज हुकूमत हमलावर थी तो वो इसहाक डार और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कौमी असम्बली में बैठे हुए थे, वो भी आपके सामने है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़े बनाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब के फैसलों को स्याह तरीन बना देती हैं, लेकिन इसके बावजूद बदतमीज़ी और इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मगर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार रहा है उस पर ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के मुखालफीन बल्कि चीफ जस्टिस साहब के जो हामी हैं वो भी मुसलसल एतराज़ उठाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, अब सूरत हाल ये है कि इस तकसीम का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है, और जब बिलावल भुट्टो कह रहे हों कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम पेश करने में हमें मुश्किलात होगी तो इसका क्या मतलब लिया जाए? मतलब बिलावल भुट्टो चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि आईनी तरामीम पैकेज चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के होते हुए मंजूर हो। क्यों? शायद वो ये समझते हैं कि आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर हो और जो जजेस उन्होंने लगाने हैं, जो आईनी अदालत उन्होंने बनानी है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने हैं और जो वो आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो सकें और उड़ ना सकें, लिहाजा उससे पहले सारा कुछ वो करना चाहते हैं। जब हुकूमत इस तरह की अपने इरादे जाहिर करती है कि हम चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, हम उनके लिए जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, हम एक आईनी अदालत बनाकर उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को बिठाना चाहते हैं, तो फिर ऐसा तासर लगता है कि जैसे सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो बाकायदा मनसूबाबंदी से हो रहा है। यही वजह है कि अब चीफ जस्टिस साहब का किरदार जो है बदकिस्मती से ऐसा मुतनाज़े हो गया है कि गो काजी गो के नारे लग रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तलखी है। मैंने पहले भी कहा है कि अंदर और बाहर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे अदलिया की रही सही जो इज्जत है वो खाक में मिले, मगर क्या करें, हालात ऐसे हैं और चीज़ें ऐसी हैं कि सब के सामने है कि कौन क्या कर रहा है। बिलावल भुट्टो जिनके ज़िम्मे अब लगा है कि वो आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवाएं, वो जब कह रहे हों कि हम चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवाना चाहते हैं, तो फिर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। आपको ये भी बताता चलूं कि हुकूमत का प्लान ए और प्लान बी क्या है। प्लान ए है कि मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएं और फिर कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट और सेनेट में आईनी तरमीम पैकेज हम मंजूर करवा लें। प्लान बी है कि अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो फिर ये 63A केस का फैसला आएगा, और फैसला यकीनन यही आएगा कि उमर अता बंदयाल बेंच का फैसला कालदम, आइंदा लोटों के वोट जो हैं वो शुमार होंगे, और जब ये लोटाक्रेसी की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट में लोटाक्रेसी के ज़रिए आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन शायद हुकूमत ये नहीं जानती कि अगर ये आईनी तरमीम पैकेज मंजूर हो गया तो अनारकी होगी, तसादम होगा और इंतशार होगा। बहुत कुछ सुना जा रहा है कि वकला एक मुहिम चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे, बहुत ऐसा भी सुना जा रहा है कि हो सकता है बहुत सारे जजेस इस्तीफे दे दें, क्योंकि ये बुनियादी आईनी ढांचे पर खुद कुछ हमला है, ये आज़ाद अदलिया पर खुद कुछ हमला है। और जब एक तरफ काजी फैज़ साहब की अदालत के अंदर झड़पें हो रही हैं, बाहर वकील इत्तेजाज कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने करना है काजी फैज़ साहब की रिटायरमेंट से पहले करना है, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी आज बोले हैं और बड़े अरसे के बाद बोले हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो अदलिया के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों अदलिया के साथ नहीं खड़े होंगे? हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस काजी फैज़ साहब ने बंद किया, ताहियात नाहली काजी फैज़ साहब ने ख़त्म की, और नैब तरामीम जो नैब के मुलज़मों ने नैब तरामीम की थी अपनी करप्शन अपने केसों को ख़त्म करने के लिए, वो काजी फैज़ साहब बेंच ने उनको बहाल किया और उनको जायज़ करार दिया।
और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से NRO मिला नैब के मुलजमों और मुजरमों को। तो नवाज शरीफ साहब आज अदलिया के साथ खड़े थे, हालांकि ये नवाज शरीफ साहब ही थे जो कल कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो, ये हैवानों की बस्ती नहीं इंसानों की बस्ती है। और फिर नवाज शरीफ का भाई उमर अता बंदियाल के फैसले नहीं मान रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहा था नवाज शरीफ साहब की सरबराई में, और उस वक़्त शायद उनकी नज़र में ये हैवानों की बस्ती थी। खैर, आज नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तहरीक इंसाफ जमात को भेड़ बकरियों से तशबीह दी है और कहा है कि ये भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ते हैं इमरान खान के और अली मीन गंडापुर के, और हमलावर होते हैं। नवाज शरीफ साहब, लगता है जो आपको चाहता है, वैसे तो थोड़े से ही लोग हैं, या जो आपकी जमात में हैं वो भी थोड़े से ही रह गए हैं, वो इंसान है, बाकी सारे भेड़ बकरी हैं। और नवाज शरीफ साहब, आपने ये भी कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इमरान खान मकाफाते अमल का शिकार हैं, तो जो कुछ आज आप कर रहे हैं आप ये भर सकेंगे क्या? जो कुछ आज आपका रवैया है, आज आपकी कानून साजियाँ हैं, आज आपके जो जुल्म व सितम है, ये आप बर्दाश्त कर सकेंगे? और नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि साकिब निसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालना है, PTI को लाना है। तो वो ऑडियो घर में क्या अंडे बच्चे दे रही है? लाएं किसी अदालत में और साकिब निसार साहब को बुलाएं कि ये सिर्फ सियासी बयान आती जारी रखेंगे कि इसका कोई मंतकी अंजाम की तरफ भी इस चीज़ को ले जाएंगे? नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा, मुझे अफसोस रहेगा कितना काम किया और मेरे साथ ये सलूक हुआ। नवाज शरीफ साहब, जब एक बंदा कहे कि मैं आलमी लीडर हूँ, नेल्सन मंडेला हूँ, कैद आजम सानी हूँ, इमाम खुमैनी हूँ, और जब मुश्किल वक्त आए, कभी जद्दा भाग जाए, कभी लंदन चला जाए, डीलें करे, ढीलें करे, जाए भी डील के तहत, आए भी डील के तहत, इक्तदार भी उसका मशकूक हो, अपनी सीट भी मशकूक हो, तो उस बंदे के लिए लोग क्या उसके हक में वोट डालेंगे? कभी सोचें कि आपने भी क्या किया? नवाशी साहब ने यह भी कहा है कि खुददार कौमें सवाल पूछती हैं और जवाब मांगती हैं। नवाशी साहब, खुददार कौम आपसे सवाल कर रही है कि आपकी सीट असली है, आपसे सवाल कर रही है कि आपका भाई का मैंडेट असली है, आपसे सवाल कर रही है मरियम नवाज असली मैंडेट पर वज़ीर आला बनी है, आपसे सवाल कर रही है आप क्यों डीलें करते हैं, क्यों ढीले करते हैं, आपसे सवाल कर रही है कि क्या आप एवन फील्ड की आपने मनी ट्रेल दे दी, आपसे सवाल कर रही है कि आपने क्यों मुसलसल कौमी असम्बली में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी की, कतरी खत लाए, झूठी ट्रस्ट डील लाए, और इसके अलावा आपने क्या क्या झूठ ना बोले, कितनी लंबी कहानियाँ ना सुनाई, लेकिन मनी ट्रेल ना दे सके। और नवाज शरीफ साहब, आपको रियासत से भी गिला है, कौम से भी गिला है, अदलिया से भी गिला है, अपोजिशन से भी गिला है, लगता है आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। वो एक लतीफ़ा है कि एक औरत हमेशा सर बांध कर गली में बैठी रहती थी और यही कहती थी, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। 12 बच्चे थे उसके, लोग उसे कहते थे कि 12 बच्चे हैं तेरे और अभी भी तुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब, आपकी वापसी हो गई, आपके सारे केस ख़त्म हो गए, आपके एलोयाल की वापसी होगी, आपके भाई की वापसी होगी, सारे केस ख़त्म हो गए, नैब के मुलज़म आपकी जमात के जो सारे वज़ीर बन गए, भाई वज़ीर आज़म बन गया और बेटी वज़ीर आला बन गई, आप मशकूक सीट पर MNA हैं, पार्टी के सदर हैं, मौजें कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा सियासी हरीफ उसको आपने नायल करवा दिया है, वो जेल में है और उसकी पार्टी पर 3 साल से जुल्म हो रहे हैं, उनका मैंडेट छीन लिया गया है और अभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब का यह भी बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका नहीं जा रहे, उन्होंने अपनी रवानगी मौखर कर दी है, वजह आईनी तरमीम पैकेज में वोट डालना है। नवाज शरीफ साहब, आप चले जाते अमेरिका, यास्मीन राशिद को कह देते, वो आपकी जगह वोट डाल देती आईनी तरमीम के हक में, क्या तकल्लफ किया है आपने? खैर, 63A की केस की समाज जारी है और इस केस का जो फैसला होना है वो भी आपके सामने है, और इसी केस के हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू की है। इमरान खान ने आज बड़ा तवील गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा जैसा मुतनाज़े जज मैंने आज तक नहीं देखा। इमरान खान ने कहा है कि मैंने तारीख में काजी फ़ायज़ ईसा जैसा मुतनाज़े जज नहीं देखा, एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ
3 का हिस्सा है। काजी साहब ने अपनी ज़ाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। काजी साहब ने लंदन प्लान पर आमद दरामद को यकीनी बनाया और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तरीकन साहब मुकम्मल तौर पर क्रश हो जाए, नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हों और मैं जेल में ही रहूँ। लंदन प्लान के मुताबिक तरीकन साहब को क्रश किया गया, बिल्कुल इसी तरह काजी साहब खामोश रहे जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को, अहले फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छुट्टी देकर खुद खामोश बैठी हैं। अपनी तरफ से तरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया और अब काजी साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भुगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो रहा है। इमरान खान ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो इस जमात को कालादमी तसव्वुर किया जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ाम के मुताबिक पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बदनीति जाहिर करते हुए हमसे इंतखाबी निशान छीना और फिर काजी फ़ाइज़िसा ने 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान के फैसले को तहफ़ देते हुए आखिरी कील ठोंका। जब तक इनको यकीन नहीं हुआ कि तरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौके पर इन्हें यही गुमान था कि अब तरीक इंसाफ कभी भी जीत नहीं पाएगी क्योंकि ज़ाहरी तौर पर अपना इंतखाबी निशान ना होने की वजह जमात मैदान में मौजूद ही नहीं थी, लेकिन अवाम ने इनकी तमाम तर मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया। इमरान खान ने कहा कि आइनी तरामीम जो हो रही हैं ये अदलिया पर ख़ुद कुछ हमला है, ये आइन पर ख़ुद को हमला है, इसे हमने नाकाम बनाना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि फॉर्म 47 और NRO2 की पैदावार है, इसे आइनी तरमीम करने का कोई अखलाकी और कानूनी जवाज हासिल नहीं है और किसी एक, दो या तीन शख्सियात की ज़ात के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। सारे कवायद व जवाबत को तबाह किया जा रहा है, हार्स ट्रेडिंग को तहफ़ दिया जा रहा है। इमरान खान ने कहा ये इस पार्लियामेंट और गैंग ऑफ 3 की हार्स ट्रेडिंग सिर्फ इस वजह से है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी के पास अपना एक स्कूटर तक नहीं, जबकि इसकी बीवी दुबई में $500 मिलियन की जायदाद की मालकन है कि जो दुबई लीक्स में सामने आ चुकी है, इसके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई। इमरान खान ने कहा इस तरह शरीफ खानदान या जरदारी खानदान का सारा पैसा, कारोबार और जायदादें मुल्क से बाहर हैं, अब ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लेकर आईनी तरमीम का सोच रहे हैं। हमारे लोगों को अगवा को कानूनी बनाकर इस 8 फरवरी की चोरी को हजम करना चाहते हैं और एक दूसरे को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन हम इसका रास्ता रोकेंगे क्योंकि ये आवाम को गुलाम बनाने की साजिश है। इमरान खान ने कहा अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत साजिश कर गिराएगी तो इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान दुनिया मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा था। हमारे दौर में पाकिस्तान में 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत की। इस नोयत की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 17 साल के बाद मुनक़द हुई थी। इमरान खान ने फिर जनरल बाजवा पर तनकीद की, उन्होंने कहा मौलाना फजलरहमान और मुखाजा आसफ और मोहम्मद ज़ुबैर ने बाजवा के झूठों का पर्दा चाक किया। इमरान खान ने यह भी बताया कि किस तरह हुसैन अकानी को $35,000 दिए गए ताकि हमारी हुकूमत के खिलाफ हम लॉबिंग की जाए अमेरिका में। इमरान खान ने कहा जब जनरल फैज़ को हटाया गया तो मरियम नवाज़ बहुत शोर मचाया करती थी कि अब इमरान खान की हुकूमत गई और फिर मेरी हुकूमत चली गई, ये सब कुछ लंदन प्लान में तय हुआ था। इमरान खान ने यह भी कहा अब मेरे पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क के तमाम इदारों को ग़ुलाम बना लिया गया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा बचा है, सुप्रीम कोर्ट को हमने बचाना है। इमरान खान ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानी देना पड़ती है, जिस तरह सैयद हसन नसरुल्ला और इस्माइल हानिया ने अपनी और अपने अहले खाना की जानों की कुर्बानियां दी हैं, इस तरह मैं अपनी कौम से कहता हूँ किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें और आज़ादी के लिए बेखौफ और भरपूर जद्दोजहद करें। इमरान खान ने अपनी पार्टी से भी कहा के इख्तलाफात ख़त्म करें और अवाम के साथ खड़े हों। उन्होंने अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर के अली खान के मुतल्लिक ख़ुद से मंसूब बयानात की वजाहत पेश की। उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर हमारे हीरो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी वजारत आला की कुर्सी का लालच के बगैर जिस तरह की आज़ादी की जंग लड़ी वो काबिल तहसीन है।
इसी तरह हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोली खान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, मैं इन्हें शाबाश देता हूँ। जिस तरह उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में चलाया वो लायक तारीफ़ व एतराफ़ है। इमरान खान का पैगाम बड़ा तवील है और इस पैगाम में बहुत सारी बातें उन्होंने वही की जो वो पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारी बातें नई हैं। और एक नई बात यह भी है कि दो दिन पहले वो बैरिस्टर गौर पर भरम थे, दो दिन पहले वो आज़म समाती पर भरम थे, दो दिन पहले वो कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर क्यों नहीं पहुँचे लाहौर बर वक्त और क्यों नहीं पहुँचे पिंडी, लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं कि दोनों को शाबाश देता हूँ, दोनों को कहता हूँ कि वो आगे बढ़कर हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। आज ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का इत्तेजाज जारी है, मियाँ वाली और पाकिस्तान के चार शहरों में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेजाज करना था, और जिन शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेजाज करने का प्लान सामने आया उन सारे शहरों में दफ़ा 144 लग गई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिंडी में लोग निकले, इसमें कोई शक नहीं कि आज जिन शहरों में इत्तेजाज था वहाँ भी लोग निकले हैं, मगर उस वक़्त इत्तेजाज करना जब मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा ख्याल है इस पर इमरान खान साहब को नज़रसानी करनी चाहिए, वरना ये इल्ज़ाम लगेगा कि जब भी कोई गैर मुल्की आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेजाज करती है। इस दो चार दिन के लिए इस इत्तेजाज को मौखर करने में कोई हर्ज नहीं, और इमरान खान साहब को इनडायरेक्ट पैगाम भी दिए गए हैं कि प्लीज़ आप दो चार दिन इत्तेजाज ना करें, क्योंकि गैर मुल्की सरबराह आ रहे हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म आ चुके हैं, चीन और रूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के वफूद भी आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में, तो इसलिए आप इत्तेजाज ना करें। इमरान खान ने अपनी पार्टी से मुशावरत के लिए कल का अपनी पार्टी को बुलाया है अड्याला जेल में, और हो सकता है दो चार दिनों के लिए इमरान खान इजलास अपना इत्तेजाज मौखर कर दें, और हो सकता है वो इत्तेजाज जारी रखें। लेकिन आज 63A में चीफ जस्टिस ने समात ख़त्म करने से पहले अली ज़फ़र की ख्वाहिश पर हुकूमत पंजाब को ये भी कहा है कि अली ज़फ़र और इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए ताकि 63A केस में वो हिदायत ले सकें। मुल्क के हालात बहुत नाजुक मरहले पर हैं और नफ़रत और तकसीम का राज है मुल्क में। पाकिस्तान जिंदाबाद।